आज ज्योति को 6th month कंप्लीट हो गए हैं। गाइस ये कौन सी भाषा बता सकते हैं इसका? सेटिंग फिर से चेंज हो रही है। रही हमारी फूल पर दिखाओ, अब अपना फेस दिखाओ, देखो तो, देखो ये किसकी तो, फूल पर ही है। और ये आया आर्मी कैंटीन से सामान। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास है मेरे लिए, मतलब जब से ज्योति हुआ है मेरी लाइफ में तब से मेरे सारे दिन बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं, लेकिन आज क्या है, आज है 1 मई और आज ज्योति को 6th month कंप्लीट हो गए हैं, उसको 7th स्टार्ट हो गया है। तो फाइनली मेरा बेबी आधे साल का हो चुका है। तो आज अभी मैं फ़िलहाल छत में आई हूँ और कल रात को हल्द्वानी में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है। यार पता सही में टाइम कब चले जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी तो कुछ टाइम पहले हाँ यार सही में जस्ट जैसे कि था छोटू सा मेरे हाथ पे आया था, और अभी देखते देखते 6 महीने पूरे हो गए उसको, और मुझे लग रहा था थोड़े दिनों में देखते देखते जो बाकी के 6 महीने वो भी पूरे हो जाएंगे और जैसे 1 साल का हो जाएगा। तो आज का फ़िलहाल मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया अभी तो फ़िलहाल कि मैं कैसे ज्योति का फ़ोटो शूट करूँगी, क्या करूँगी, मतलब कुछ नहीं सोचा है। अभी देखो क्या होता है, दिमाग में कुछ तो अब आ ही जाएगा मेरे। और फ़िलहाल अभी जाते हैं नीचे और करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी, उसके बाद जैसे जैसे होगा आज का दिन देखना आप और पूरा व्लॉग देखना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है आज। गाइस ये कौन सी भाषा बता सकते हैं इसका? इसका ट्रांसलेशन कहाँ मिलेगा मेरे को? आप क्या बोल रहे बाबू? ओ जो आओ फिर आओ गुद ओए हो उस तो समझ। ओहो इसका ट्रांसलेशन यहाँ मिलेगा। बेटा ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? ये हाय यही है, ये सुसु है, बाप वो पीछे बाप है। वो पीछे कौन है? पीछे कौन है? बाप। चलो कपड़े चेंज करते हैं। का कर ले बाबा चुजू कर ली। जैतू कैसे अपना नाम पहचानने लगे? बता रहा हूँ जैतू। गाइस 6 मंथ होते होते ना कंप्लीट, एक तो गुड न्यूज है कि वे बिना सपोर्ट के अब बैठने लग गया। अभी थोड़ा देर करो, ये देखो बिना सपोर्ट के बैठने लग गया है। ओ ये कैसा बैठ रहा है, मतलब हल्का सा सपोर्ट चाहिए रहा है, अदरवाइज अभी उसको वही चाहिए। बेटा रुको मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, ये देखो। अभी तो बैठ रहा था, मतलब ऐसा है कि ऑलमोस्ट बैठने लग गया है। लो बाबू कहाँ पिया तुमने? बूबू की कैंटीन से लाई हुई बरटनी पिया लग रहा। सो गाइस यहाँ पे बन रही है मेरी सेवई की खीर, और यहाँ पे बन रहा है कद्दू का साग, और ये मेरा उबल रहा है दूध, और अभी हो रही है बनाना स्टिक बनाने की तैयारी। साथ ही साथ अभी मेरे को अब क्या करना है, आटा गूंथ के रोटी बनानी है। तो पहले बनाते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी मैं आ गई किचन में, मैंने सबको ब्रेकफास्ट दे दिया, और मैं सोच रही हूँ कि अब ज्योति के लिए भी कुछ बना लूँ। तो मैं क्या बना रही हूँ आपको दिखा देती हूँ, जिसमें ये 4 पीस चुकंदर के हैं, 4 पीस सेब के हैं, और ये कल के थोड़ा सा गाजर बच गया था जो मैंने उसके लिए बनाया था, तो ये बच गया था। ये है, इन सबको भी छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बनाऊँगी, और कुकर में 3 से 4 सीटियाँ लगा दूँगी। ये सब मैं एक साथ ऐसे कुकर में डाल दूँगी। इनको मैंने अच्छी से वॉश कर लिया है, एक हाथ से नहीं हो पाता है। ये इन सबको मैंने कुकर में डाल दिया है, और अब इसमें थोड़ा सा पानी, बस इतना पानी, और 3 से 4 सीटियाँ। 4 सीटी में कुछ ऐसा हो गया ये, अब बस इसको पीस देने का, बस ये। गाइस पापा और नीरज गए थे बिहार में कैंटीन, और ये सब लेके आए हैं। एक बोतल मेरी, ये रहा हमारा कैंटीन का सामान। एक बोतल मेरी।
ये टिम्बर रुक जा तो तीते रहे के डब बाबू वो बोला ना तुम्हारा तो आया नहीं सवाल ऊपर उसमें पिलाना है ये वाला अभी नहीं पिलाना ये कंटेंट वाला ना ये नहीं पिएगा एक साल के बाद से पिलाएंगे एक साल दो साल तक बच्चों को मेन चीज तो ये आई है क्या हुआ नया हेलमेट भी आया है इसको भी मजा आ रहा है आज क्या क्या आ गया बाबू इतने सारा सामान आज तो मिला बाबू आधे छाल का हो गया सो गाइस ठंडा हो रहा था हमने पहना दिया जैतिक को उसकी बनी वाली स्वेटर और आदमी के 3600 कपड़े चेंज होते हैं दिन में बस यही रहता लग रहा था इनका सो गाइस मेरे लिए तो गाइस मेरे लिए नरसिंह राणा जी लाए वाली क्रीम मेरे लिए वो तुम्हारे लिए कहाँ से खरीदी सो गाइस मैं जा रही हूँ पूजा बोल जैतिक का केक लाने के लिए मैं आ गई हूँ घर और भैया ने ना सही जुगाड़बाजी करके मतलब बना दिया केक ठीक ठाक और मैं लेके आई हूँ एक ये 6 मंथ वाला बलून और लाई हूँ एक बर्थडे कैप जो कि अभी मैं शाम को पहनाऊंगी जैतिक को गाइस मुझे छत में छोटी सी स्ट्रॉबेरी मिली अभी ये मेरी और ये छोटी नहीं यार बहुत बड़ी है हाँ हाँ मैंने मम्मी को वो वहाँ भेजा है फूल तोड़ने के लिए दिख रही है आपको ये रही मम्मी जो फूल तोड़ रही है ये रही हमारी फूल पर दिखाओ आप अपना फेस दिखाओ तो ये किसकी फूल पर ही है देखो 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 इधर इधर देखो इधर देखो सो गाइस ये वाली रही इसकी ड्रेस जो कि ये पहनेगा और यहाँ पे बूबू कर रहे हैं बैकग्राउंड की तैयारी बन रही है तो तैयार सो गाइस सेटिंग फिर से चेंज हो रही है सेटिंग फिर से चेंज हो रही है तो बस कैमरा मैन को ना सेटिंग ही पसंद नहीं आई और ये पहले हमने वैसे करा था ऐसे फिर से मैंने लगा दिया तो कुछ ऐसी डेकोरेशन कर रखी है मैंने आप बहुत सिंपल सी प्लेन सी ऐसी बना के इजी डांस नहीं है दो फोटो नहीं खींची उसका रोना शुरू हो गया था उधर 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 देखो अभी का व्लॉग मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सीधे शाम से अब हम करेंगे केक कटिंग दिन में मैं अपनी थोड़ा वीडियो एडिटिंग में लग गई थी और आज फाइनली आज का जो बर्थडे है उसमें फाइनली बेचारा केक खा पाएगा वरना तो हर बर्थडे में केक आ जरूर आता लेकिन उसको खाने वाले से कम थे तो अब करते हैं केक कटिंग अभी तो मैं रू है ना किचन में ही भूल गई थी ये रही टोपी हाँ जी अब लगेगा टीका ये अब लग रहा बाबू को टिक्की बाबू लगाने देगा तब तो ओली जय जय हाँ जी अब लगेगा बर्थडे बॉय अच्छा पहले पापा को टीका लगेगा पापा को नाम हो टीका लग गई रहो थोड़ा आराम से ओली मंदिर पर था अम्मा जय जय Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे टू टू जते वन बाय टू बताओ तू दिल से बाहर आओ 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 मामू आओ 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 आधे साल का हो गया आज आओ पहले अरे नीरज केक की फोटो खींचो आओ ये ला बर्थडे केक आज तो फाइनली पहली बार एक केक खाएगा अपने बर्थडे पे वरना तो हर बार हम ही लपेटते रहते हैं एगलेस जा अमा ठड़ियो कॉपीराइट चढ़ा लोगे इतना सुंदर चेहरा यूट्यूब में उसको पैसे भी नहीं ये आज तो खुद केक काटेंगे ₹100 उसका चलो चलो फू करते पहले अब आमा खाई 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 ले मारो ओहो या ये खाओ देखो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं के खाए के खाए के खाए के खाए हैप्पी बर्थडे के क्यों बोल रही है सैड हो रहा है के खाए के खाए के खाए के खाए के को ना यही हो यही हो और यहाँ पे हमारा शेर भी मस्त केक खा रहा है ये था आज का व्लॉग और अब हम खाएंगे केक और आप करें वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को करें सब्सक्राइब बाय बाय